भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। टेक्निक श्रीमान जी में आपका स्वागत है। आज का जो अपडेट है वो है ओप्पो F9 Pro का। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या फीचर है, क्या भाई लोग। ये है ओप्पो F9 Pro। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा रिव्यू दिखाऊंगा और इसके जो फीचर वगैरह हैं वो, और इसकी जो बॉडी है वो भी इसके बारे में बताऊंगा। भाई लोग, फ़ोन कुछ देखने में ऐसा है। यहाँ पे कैमरा है जैसे वाटरमेल ड्रॉप की तरह, इसका जो डिस्प्ले है और इसमें ये ड्यूल कैमरा है और LED फ्लैश है और ये सेंसर है और ये माइक है वो 3.5 mm का जैक है और ये स्पीकर है और ये USB। अगर इसमें टाइप सी भी होता तो बहुत बेटर होता। ये वॉल्यूम की है और ये सिम इंजेक्टर है, यहाँ पे ये सिम इंजेक्टर है और यहाँ पे पावर बटन है। उसके बाद हम इसे दिखाते हैं आपको ये सेटिंग्स ऑन करके। हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स में और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका अबाउट है। इसमें जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने मॉडल कौन सा है, ये डिवाइस नेम ओप्पो F9 Pro है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.1 है और प्रोसेसर जो है ऑक्टा कोर है और 6 GB इसकी रैम है, 6 GB रैम है और ये 64 GB इसकी जो है मेमोरी है और जो अवेलेबल है 43 इसकी जो है। ये आपके सामने इसका वर्जन वगैरह जो आप देखना चाहते हो सब कुछ है। हम इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आपको दिखा दें। ये जो इसका पीछे आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह इसका जो है कैमरा क्लियरिटी आपको दिख रही है, ये कुछ है उसकी फ्रंट कैमरे की आपको दिखाते हैं। ये कुछ फ्रंट कैमरे की फ़ोटो है, देखते हैं सर। तो मतलब बहुत अच्छा मोबाइल है ये और फ़ोटो भी कुछ अच्छी आती है इसकी, ऐसी बात नहीं है। आप क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है इसको देखने के। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा फ़ोटो को और इसमें पोर्ट्रेट मोड में आप फ़ोटो ले सकते हैं। ये आपका पोर्ट्रेट मोड है, इसमें आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो ले सकते हैं इसकी और ये आपको और भी फंक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। और चलिए आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कैसी यहाँ पर फ़ोटो जो है, कुछ इस तरह की फ़ोटो है दोस्तों। और जूम डिटेल भी बहुत अच्छी है देखने में, थोड़ा कैमरे में वैसे नज़र आ रहा होगा आपको। और ये देखो ब्लर भी अच्छा आ रहा है इसमें, क्लियरिटी आ रही है फ़ोटो की। और ये जो है ये आप देख सकते हो फोटो की जो क्लियरिटी है बहुत अच्छी है। और इसमें जो इसकी स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और इसमें आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह, उसमें नेचुरल लाइट वगैरह आप इसमें देख सकते हो, कैमरे में नेचुरल लाइट वगैरह आपको जो है मोड मिल जाती है। बहुत अच्छा फ़ोन है गाइस, आपको मैं चाहूँगा आप परचेज करो। इसकी डिस्प्ले की जो आप देखोगे, ऊपर तो इसकी डिस्प्ले है, नीचे से ये कुछ ऐसा है और बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। क्योंकि जो इसकी जो प्राइसिंग है वो भी मतलब ठीक ही है, 20,000 से ऊपर ही है तकरीबन। मैंने तो ये परचेज़ किया है 20,000 से ऊपर, 23,000 का। देखने में बहुत अच्छा फ़ोन है वो, आपको कुछ सैम्पल इसकी जो है सैम्पल जो फ़ोटो है वो आपको मैं दिखाऊंगा, बैक कैमरे की और फ्रंट कैमरे की कैसा ये परफॉर्मेंस करता है पोर्ट्रेट मोड में भी और वैसे में भी। उसमें सबसे ज़्यादा मेन बात ये है जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पासपोर्ट सब कुछ इसमें जो है। बैटरी, उसकी जो बैटरी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस। बहुत अच्छा फ़ोन है, फ़ोन कुछ अच्छी क्वालिटी से बना है ये, आपको थोड़ा सा देखने में ये देखो ये सेड कुछ सेड आपको जो इसकी बिल्ट क्वालिटी है वो आपको देखने, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो आप
कैसे, ये मेरे को इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा है। इसका जो देखने का लुक है वो भी बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा आप इसको परचेज कीजिए, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। जिसकी स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छी है, 6 इंच की स्क्रीन है इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी फ़ोन की, आप ले सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ोगे, हमसे हम आपसे जुड़ेंगे, मतलब बहुत लोगों से बताओ कि ये इस फ़ोन के बारे में। थैंक यू।